हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दिलीप कुमार और आप देख रहे हैं टेक दिलीप। दोस्तों, आज की छोटी सी वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि आप किस तरीके से एडसेंस के अंदर यूएसए का टेक्स्ट फॉर्म फिल कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले आप लोगों को मैनेज टेक्स्ट इन्फो पे क्लिक कर लेना है। मैनेज टेक्स्ट इन्फो पे क्लिक करने के बाद यहाँ कुछ लोड होगा, यहाँ आप लोगों को कुछ वेट कर लेना है। उसके बाद यहाँ आप लोगों को नीचे आ जाना है, यहाँ होगा ऐड टेक्स्ट इन्फो। तो सिंपली आप लोगों को ऐड टेक्स्ट इन्फो पे क्लिक कर लेना है। ऐड टेक्स्ट इन्फो पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। सिंपली आप लोगों को नीचे आ जाना है, यहाँ होगा स्टार्ट टेक्स्ट फॉर्म। तो सिंपली आप लोगों को इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ आप लोगों को अपना अकाउंट लॉगिन कर लेना है जिसपे आप लोगों का एडसेंस बना हुआ है। तो यहाँ मैं अपना पासवर्ड पुट कर लेता हूँ और नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर लेना है, इसको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ आप लोगों का अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ आप लोगों को अपने जो अकाउंट का टाइप है वो टाइप सेलेक्ट करना है। बिजनेस है तो आप लोगों को नीचे कर लेना है, इंडिविजुअल है तो सिंपली आप लोगों को ऊपर वाले इंडिविजुअल पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर लेना है। अब ये हमसे पूछ रहा है कि क्या आप यूएसए में रहते हैं, तो सिंपली आप लोगों को यहाँ नो पे क्लिक करना है। नो पे क्लिक करने के बाद नीचे आप लोगों को एक और ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ नीचे एक और ऑप्शन होगा जिसमें लिखा होगा, ऊपर वाले पे लिखा होगा W8BEN, इस पे क्लिक कर लेना है। इस पे क्लिक करने के बाद नीचे होगा नेक्स्ट का बटन, नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ कुछ लोड होगा तो सिंपली आप लोगों को यहाँ 5 या 10 सेकेंड का वेट कर लेना है। आप लोगों को वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है वरना आप फॉर्म को फिल नहीं कर पाओगे। उसके बाद यहाँ आप लोगों को अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है, तो यहाँ से मैं अपना कंट्री सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ आप लोगों को अपने अकाउंट का नाम भी लिख लेना है। तो पहले मैं कंट्री सेलेक्ट कर लेता हूँ और बाकी सब ऑप्शनल है, सिर्फ आप लोगों को कंट्री और नाम लिखना है पहले, और ऊपर आप लोगों को अपना नाम लिख लेना है। आपका नाम हिंदी में भी नहीं लिखा जाएगा ना ही उर्दू में लिखा जाएगा, यहाँ आप लोगों को इंग्लिश लेटर में ही लिख लेने हैं। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ। उसके बाद सिंपली आप लोगों को नीचे आ जाना है, नीचे होगा नेक्स्ट का बटन, नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ आप लोगों को एड्रेस पुट कर लेना है। तो सिंपली यहाँ से मैं अपना एड्रेस पुट कर लेता हूँ, एड्रेस, स्ट्रीट, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट वगैरह सबको आप लोगों को फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ आप लोगों को बॉक्स पे क्लिक करके नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर लेना है। यहाँ कुछ लोड होगा 5 या 10 सेकंड का, आप लोगों को यहाँ भी वेट कर लेना है। उसके बाद आप लोगों को नो के बटन पे क्लिक कर लेना है। नो के बटन पे क्लिक करने के बाद नीचे होगा नेक्स्ट का बटन, नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ आप लोगों को कुछ वेट कर लेना है, लोड होगा कुछ। यहाँ आप लोगों को बॉक्स में क्लिक कर लेना है। बॉक्स में क्लिक करने के बाद सिंपली आप लोगों को नीचे आ जाना है, दोबारा नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर लेना है और नीचे आना है। यहाँ आप लोगों को यस के बटन पे क्लिक कर लेना है। यस के बटन पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को नीचे नेक्स्ट का बटन दिखाई दे रहा होगा, नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर लेना है। आप लोगों को नीचे नाम भी लिख लेना है, नाम भी लिख सकते हो, तो सिंपली यहाँ मैं नाम लिख लेता हूँ पहले। नाम लिखने के बाद आप लोगों को नीचे नेक्स्ट का बटन दिखाई दे रहा होगा, नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ आप लोगों को दोनों में नो कर देना है, तो मैं नो कर लेता हूँ और नीचे होगा आई एक्सेप्ट पे क्लिक करके नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर लेना है। अब नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर लेना है, सबमिट के बटन पे क्लिक कर लेना है। अब आप लोगों को नीचे आना है, दोबारा सबमिट करना है। अब हमारा फाइनली जो टेक्स्ट फॉर्म है वो फिल हो चुका है। अब यहाँ आप देख सकते हो कुछ लोड हो रहा है, देखते हैं क्या होता है आगे। यहाँ आप देख सकते हो हमारा फॉर्म जो था वो फिल हो गया है सही तरीके से। आप लोग इस तरीके से अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।